तेरे बिन्नु नलेंगे एक विदम। अखिलड़ी बदोबती मौका मिले कदी कदी, जदो हुनी जीनन मेरा ना मैं था मर जानिया। लेकिन मुझे उनके चाहत में मैं उधर चली गई कराची में, उनके मजार पर दो दफा गई हूँ मैं। बात देखी नहीं रोने की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान मौलाना अशरफ, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाजरीन हमारे साथ मौजूद है मेहरुन्निसा, जिन्होंने ए प्लस पे गाना गाया और रातों रात गाना वायरल हो गया। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपका जाना वहाँ पे कैसे हुआ, क्या प्रोफेशनल सिंगर है कि वैसे ही आपने गाना गाया और गाना वायरल हो गया ए प्लस पे जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका ए प्लस में जाना कैसे हुआ, आपने वहाँ पे गाना गाया और माशाल्लाह गाना रातों रात वायरल हो गया, कैसे जाना हुआ आपका वहाँ पे? मैंने बेसिकली वहाँ के ऑडिशन चल रहे थे तो मैंने अपनी एक वॉइस नोट सेंड किया, तो वो डायरेक्ट मेन प्रोड्यूसर नहीं सुना और मुझे सुबह फर्स्ट टाइम 5 o'clock मुझे कॉल आई है। अच्छा। कि आप सिलेक्ट हो गई हैं तो आप इधर शो में पहुंचे ए प्लस में। ज़बरदस्त। तो फिर आप बेसिकली किस सिंगर से मुतासर हैं और कैसे आपकी जो वीडियो वायरल हुई है तो किस सिंगर से मुतासर है, कौन सा गाना आपने भेजा उनको? बेसिकली मुझे पसंद है सॉन्ग नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ। अच्छा। बचपन से मुझे बहुत शौक था तो बस शौक शौक में मैंने उनके थोड़े बहुत सॉन्ग वगैरह रेडी किए हुए थे तो मैंने वही वहाँ भी परफॉर्म किया। मैंने बहुत बड़ी सिंगर का नाम ले रही है आप, तो फिर आप जिस गाने से मुतासर है वो आप हमें गाना भी सुनाएं और बताएं। मैंने परफॉर्म उधर किया था जदो होने जी नने, फिर मैं आपको वही अभी भी सुनाऊंगी। जी जरूर। जदो होने जी नन मेरा ना मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है, है जदो होने जी नन मेरा ना सोने तो गोक मेरी सुन कदी अच्छा आप ये बताएं कि आपको कितनी देर होगी बेसिकली सिंगिंग करते हुए और प्रोफेशनल सिंगिंग कर रही हैं अभी? अभी मैं स्ट्रगल चल रहा है मुझे बेसिकली, इसमें 8 to 10 months अभी हूँ मैं इस फील्ड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आपके सामने ही है। तो नूर जहाँ से आप मुतासर हैं तो उनके बारे में कोई बात आप कहना चाहें? मुझे मैं तो उनसे इतना इंस्पायर हूँ कि मुझे बहुत शौक था, उनको देख तो नहीं सकी तो ख्वाहिश भी थी कि अगर वो होती तो मैं उनसे ज़रूर मिलती, लेकिन मुझे उनके चाहत में मैं उधर चली गई कराची में, उनके मजार पर दो दफ़ा गई हूँ मैं। तो वो तो एक ओल्ड सिंगर है, आपको कोई नए सिंगर में अच्छा लगता है जिसको आप गाते हैं गाने, जिसके गाने गाते हैं आप? मुझे तो इंडियन सिंगर है जुबिन, मुझे उसके सॉन्ग बहुत पसंद है तो इसलिए अक्सर मैं वो घर में भी थोड़े वो गुनगुनाती रहती हूँ, तो वो मैंने एक रेडी किया, मैं आपको वो सुना देती हूँ। तो वो तो इंडियन सिंगर है तो आप उनको कैसे, मतलब क्या चक्कर है? बेसिकली मुझे उनकी जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी मुझे अपने जैसी लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रिजेक्ट होकर भी, उन्होंने घिरे नहीं हैं वो, फिर भी उन्होंने थोड़ी मेहनत की, अपनी मेहनत से आगे आए और अब जिन्होंने रिजेक्ट किया अब उनसे भी वो आगे हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि भाई रिजेक्ट कोई भी कर दे, कोई भी बंदा अपनी मेहनत साथ हो ना तो कोई बंदा भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए मुझे जबरदस्त अच्छा लगा। चले आप फिर उन्हीं का गाना सुनाएं मुझे। दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तो मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात कह रहा
मुझको ले जाएंगे गर्दिशाएं मेरी डगमगाते कदम साथ दे अच्छा आपने नूरजहां का गाना सुनाया, जो भी नूटियाल का सुनाया, लेकिन आप बेसिकली मुतासर नूरजहां से, तो मैं भी नूरजहां से बड़ा मुतासर हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना हम मिलके एक गाना गा लें जरा नूरजहां के लिए, तो आप गाना चाहेंगे मेरे साथ? जी ठीक है। अखलड़ी बदोबती मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसन देखी मजा लिए अजदा हाय हाय अखलड़ी बदोबती मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसन देखी मजा लिए अजदा हाय हाय अखलड़ी बदोबती। नाजर हमारे साथ मौजूद थे मेहरू निसार, जिन्होंने नूरजहां के बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।